अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है साइटोस्केलेटन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। साइटो का मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब ड्राइड बॉडी। एक मतलब सेल के अंदर जो ड्राइड बॉडी है, देयर कॉल्ड साइटोस्केलेटन है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अनब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक बारीक सा अनब्रांच स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से मेडअप होता है, जिसका काम है मूवमेंट करवाना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर को मेनटेन करना या सेल की शेप को बनाना, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिहाज से है, साइज और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक का नाम क्या, माइक्रो फिलामेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल आपके ये सामने है, होलो और सिलेंड्रिकल होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपके सामने है, जो कि इंटरमीडिएट होगा साइज के लिहाज से, जो कि दरमियाना होता है, ना बड़ा होता ना उससे छोटा होता, दरमियाना। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के लिहाज से इंटरमीडिएट में जो होता है साइज के लिहाज, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जो आपके सामने है। माइक्रोफिलामेंट देखा जाए कंसीडर द मोर सिलेंडर, जो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, अंदर से खाली भी होता है, वो माइक्रोफिलामेंट है। ये देखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर 25 नैनोमीटर है और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर 8 से 12 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर 7 नैनोमीटर है। माइक्रोट्यूब्यूल अगर देखा जाए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जो कि सेल्फ असेंबलिंग है, खुद ब खुद असेंबल होती है, खुद ब खुद जुड़ते हैं, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसका नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। देख सकते हैं आप, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, जो कि दो दो सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा सब यूनिट है। इन दोनों का जो आपस में लेंथ होती है वो 8 नैनोमीटर है। तो ये आपके सामने जो टोटल डायमीटर वो तो 25 नैनोमीटर है, पर दो सब यूनिट का जो साइज है वो 8 नैनोमीटर होता है। आगे देखिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे मिलकर बनता है, वाइमेटिन। वाइमेटिन प्रोटीन है जो खुद जुड़ती भी है, असेंबल भी होती है, डिसअसेंबल भी होती है। पूरा जो डायमीटर था वो 8 से 12 नैनोमीटर है, पर याद रखिएगा एक वाइमेटिन जो कि डाइमर है, डबल है ना, डबल, ये डबल चेन आपस में है, ये वाइमेटिन प्रोटीन डबल लेयर्स में होती है, डबल चेन में होती है। एक डायमेटिन का जो साइज है वो कितना, 4.8 नैनोमीटर है। माइक्रोफिलामेंट किससे मिलकर बनती है, एक्टिन प्रोटीन से है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। टोटल जो इसका साइज है वो डायमीटर वो 7 नैनोमीटर है, पर एक जो लेंथ है उसका कितना, 36 नैनोमीटर, इसकी पूरे का पूरा लेंथ का साइज कितना, 36 नैनोमीटर है। अब बात करते हैं फंक्शन का। माइक्रोट्यूबुल का रोल है स्पिंडल फाइबर को बनाना, सीलिया, फ्लेजेला, बेजल बॉडी, सेंट्रियोल, इन सब ऑर्गेनेल्स को अगर देखा जाए ड्राइव किया जाता है माइक्रोट्यूबुल से, माइक्रोट्यूबुल से बनते हैं स्पिंडल फाइबर, सीलिया, फ्लेजेला, बेजल बॉडी और सेंट्रियोल। इसी तरह इसी माइक्रोट्यूबुल का रोल है जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है सेल वॉल मटीरियल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का मटीरियल गोल्जी अपरेटस की तरफ या आउटसाइड द सेल, ये कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करता है। सेल वॉल का मटीरियल गोल्जी अपरेटस तक या गोल्जी बॉडी तक भेजना या उसको बाहर भेजना, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन किसकी जिम्मेदारी है, माइक्रोट्यूब्यूल की है। इंटरमीडिएट का काम क्या है, सेल शेप को मेंटेन करना, अटैचमेंट ऑफ मसल्स को मेंटेन करना, सपोर्ट देना नर्व सेल को, ये सारा काम किसका है, इंटरमीडिएट का है। माइक्रोफिलामेंट का सबसे बड़ा रोल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, चेंज इन सेल शेप, सेल की शेप का चेंज होना ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ये किसका काम होता है, एक ही चीज़ का काम है, माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट याद रखिएगा, इसके अंदर जो प्रोटीन है एक्टिन, ये लिंक होती है, जुड़ी होती है इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है, एक्टिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अंदर की तरफ अटैच होती है। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा आपको नेटवर्क फॉर्म में नजर आती है या बंडल फॉर्म में नजर आती है। तीसरा पॉइंट, टू एक्टिन मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे ट्विस्ट होते हैं, आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि आपस में क्वाइल हो रहे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, एक्टिन चेन दो है, ये आपस में ऐसे क्वाइल होती हैं, दो चेन्स होती है ना माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन की, एक मैंने ब्लैक बनाई है, एक मैंने ऑरेंज बनाई है, दोनों चेन के आपस में ट्विस्टेड है। तो ये आसान सा टॉपिक था साइटोस्केलेटन, जिसको हमने एज इट इज़ लिखना, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।